Welcome back to the channel Commerce Heroes, and today we are starting with the revision of the topic that is partnership firm. अब देखो मैंने क्लास में वाला टॉपिक करवा चुका हूँ एंड बेसिकली यू नो कि यार ये वाला टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर कितने सारे कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए मुझे इसकी रिविजन वीडियोज ना थोड़ी सी जल्दी लानी पड़ी बिकॉज ताकि आप उसको फटाफट से रिवाइज करो और मेरे को बहुत अच्छा सा आप लोग क्लास में क्या दे पाओ, एक अच्छा सा टेस्ट दे पाओ. तो द मेन इंटेंशन इज कि आप इसको और दोबारा से अच्छा कर लो, ठीक है. बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, दिस चैप्टर इज फॉर 10 मार्क्स. कितने मार्क्स का चैप्टर है? 10 मार्क्स का चैप्टर है और 100% एग्जाम में देखो आता ही आता है, 10 मार्क्स का टॉपिक है, कोई इसको रोक नहीं सकता चैप्टर को. और इस वाले चैप्टर का मेन खास बात पता है क्या है? देखो ये चैप्टर अपने आप में जो है ना, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो आगे के जितने भी चैप्टर्स है, आपके चैप्टर नंबर, एडमिशन ले लो, रिटायरमेंट ले लो, डेथ ले लो, डिसोल्यूशन ले लो, चेंज इन पीएसआर ले लो, सारे चैप्टर्स के अंदर जो है ना इस चैप्टर का रोल है. तो ये जो चैप्टर है अपने आप पे 10 मार्क्स का तो है ही है, साथ ही साथ और चैप्टर्स में भी इसकी वेटेज रहती है. तो ये चैप्टर यकीन मानना कि इस बुक का सबसे क्रूशियल टॉपिक है और जितने भी इसके कॉन्सेप्ट्स है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, तो एंड में जब एक क्वेश्चन के अंदर सारे कॉन्सेप्ट जब मर्ज हो जाते हैं ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करना हो जाता है बच्चों के लिए मुश्किल. तो इसलिए मैं इस चैप्टर को आपके लिए क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ ताकि इसको बार बार आप क्या कर सको, रिवाइज कर सको. जब भी आपके एग्जामिनेशन आए आप फटाफट से वीडियोस को ओपन करो, रिवाइज कर लो एंड यू आर गुड टू गो टू स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है. बस अच्छे मार्क्स आने चाहिए. देखो मेरे से एक चीज प्रॉमिस करा करो कि सर हम आपको अच्छे मार्क्स ला के दिखाएंगे, बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, मेरे से आके बोलो, मैं उस प्रॉब्लम को क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, ठीक है. अब देखो चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर. देखो सबसे पहले बिजनेस की बात समझो, कौन सा बिजनेस है. पार्टनरशिप का बिजनेस है. क्या अकेला बंदा पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकता है? नहीं कर सकता दोस्तों. पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम कितने दो लोग होने जरूरी है? सर दो लोग होने जरूरी है ना सर, एक लड़का एक लड़की. अरे दो लड़के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक लड़का एक लड़की, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी हो सकता है. दोनों लड़के हो सकते हैं क्या? यस, दोनों लड़कियां यस, ठीक है, कोई भी हो सकता है. मतलब कहने की बात क्या है, देयर शुड बी एटलीस्ट टू पर्सन टू स्टार्ट अ बिजनेस, दैट बिजनेस इज नोन एज अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है. उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म. के पार्टनरशिप में हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. तो सर हम दो दोस्तों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट करा, एक था चिंटू, चिंटू ठीक है, इसके दो कान, और एक पिंटू. इन दोनों ने करके क्या करा सर? बिजनेस स्टार्ट कर, ठीक है. दोनों जने क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं. अच्छा बिजनेस बिजनेस स्टार्ट कर रहे तो ये भी तो देखेंगे कि कल को अगर प्रॉफिट हो जाता है, कल को अगर प्रॉफिट होता है, सुनो मेरी बात, किस शेयर में हम उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, किस रेशो में हम उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे, किस रेशो में हम उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे. अब देखो ध्यान से देखो, अगर इन्होंने बोला कि सर हम 2:1 में प्रॉफिट को शेयर करेंगे, इसका मतलब क्या होता है? अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होता है ना दोस्तों 30,000 का, कितना प्रॉफिट होता है 30,000 का, तो ये कौन था? चिंटू. ये कौन था? पिंटू, है ना, पिंटू था. तो चिंटू 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 को कितना मिलेगा? चिंटू को कितना मिलेगा? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2. देखो इसका शेयर कितना है, देखो टोटल शेयर कितना है, टोटल शेयर है 2+1 3, टोटल शेयर कितना है 3. तो इसको तीन शेयर में से कितने शेयर मिलेंगे? दो शेयर. तो देखो ना मैंने क्या करा, 30,000 टोटल कमाया कंपनी ने, उसके तीन शेयर थे, हर शेयर निकल के आया 10,000 का. चिंटू के कितने शेयर थे? 2. तो इसको कितने मिले? 20,000, ठीक है. पिंटू आ गया, पिंटू 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 रो रहा है, कह रहा है यार 30,000 रुपए कमाए, 1/3 मेरा शेयर, मुझे सिर्फ कितना मिला? 10,000. तो चिंटू कितने ले गया? 20,000. पिंटू कितने ले गया? 10,000 रुपीज, ठीक है, शेयर में बांटना आया, ठीक है. तो दिस इज के बेसिकली आप अपने प्रॉफिट शेयर को अपनी रेशो में किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये चीज मैंने आपको समझाई. अब देखो पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, कुछ कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, थ्योरी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जामिनेशन में आती है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूँ. पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन, तो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. तो पार्टनरशिप बिजनेस कितने लोगों के बीच में होता है? सर दो लोगों के बीच में होता है, जिसमें प्रॉफिट्स को भी शेयर करते हैं, लॉसेस को भी शेयर करते हैं, है ना. ऐसा ही नहीं है सिर्फ प्रॉफिट हो गया तो सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करेंगे. ऑब्वियसली अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो लॉस थोड़ी ना किसी और दूसरे को दे दोगे, सर लॉस हुआ तो वो आपका, सर प्रॉफिट हुआ तो हम बच्चों, ऐसा नहीं होता. अरे प्रॉफिट हो रहा है तो तुम बच्चों का हो रहा है, लॉस हो रहा है तो तुम्हारा हो रहा है, मेरा नहीं, ठीक है. कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. अब इसका मतलब क्या होता है कि एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये होता है देखो एक एजेंट. ये कौन होता है? एजेंट. आप बिजनेस नहीं कर रहे, आपने कंपनी को कैपिटल दी और आपके बिहाफ पर कोई दूसरा बंदा आपका बिजनेस को हैंडल कर रहा है, आपकी चेयर को संभाल रहा है, दैट इज नोन एज एजेंट. तो आप कौन हो जाते हो? प्रिंसिपल. देखो एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है एक एजेंट. प्रिंसिपल कौन होता है? मालिक बंदा.
उसके जो एक्टिविटीज है, उसके जो एक्शंस है, वो कंपनी में कौन कर रहा है? एजेंट। किसके कहने पर? प्रिंसिपल के कहने पर एजेंट्स प्रिंसिपल्स के सारे काम करता है, ठीक है। अरे जैसे कि तुम मेरी बात सुनो ना, एक बंदा था ए, एक बंदा था बी, एक बंदा था सी। ए और बी ने पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लगाई, कैपिटल तो लगेगी। सी ने कैपिटल तो लगाई, लेकिन ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है इस बिजनेस के अंदर आने का, तो मैं अपनी जगह ना डी को भेज देता हूँ। वो जो भी मैं बोलूंगा ना, डी करेगा मेरे बिहाफ पर उस बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज। तो ये डी कौन हो गया? एजेंट। ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सी। जो डी है ना, डी वो एक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सी, इसको बोलेंगे थी, ठीक है। अब बहुत से टीचर्स होते हैं ना, बहुत फोकस नहीं करते डेफिनेशन के ऊपर, सिर्फ इतना बताया कि पार्टनरशिप बिजनेस में दो लोग होते हैं और चलो आगे। अरे ऐसा नहीं होता, दे शेयर करते हैं अपने प्रॉफिट्स को भी शेयर करते हैं, और कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ पर कौन आ जाता है? एजेंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, पार्टनरशिप फर्म के मेन फीचर्स क्या है? टू और मोर पर्सन होने चाहिए। कौन नहीं होना चाहिए? देखो, पार्टनर कौन नहीं हो सकता एक्सेप्ट एक माइनर, एक छोटा बच्चा पार्टनर नहीं हो सकता। पार्टनर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई पागल बंदा, पागल बंदा, मेंटली रिटार्डेड पर्सन, पागल, ठीक है उसको, ठीक है। तो वो पर्सन आपका पार्टनरशिप में आपका पार्टनर बन सकता है? नहीं बन सकता सर। पर्सनली डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, जिसको लॉ ने मना कर दिया ड्यू टू हिज एक्शंस, कुछ भी उसने कुछ उल्टा सीधा काम करा हो, जिस वजह से लॉ ने उसको बोल दिया होगा कि भाई तू किसी भी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं कर सकता, तो एनी पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय द लॉ, वो भी किसी का बिजनेस में पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है। आगे चलते, आगे 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 देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म। कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 50। थस इन इफेक्ट टू द पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट हैव मोर देन 50 मेंबर्स। तो एक पार्टनरशिप फर्म में कितने से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते? वन मार्कर एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाता है सर, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज्यादा लोग पार्टनर्स नहीं हो सकते, ठीक है, ओके। अब सर ये लोग क्या करेंगे बिजनेस करने के लिए? क्या करेंगे? एग्रीमेंट करेंगे। क्या करेंगे? बोलो 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 जल्दी से, क्या करेंगे? एग्रीमेंट करेंगे सर। एग्रीमेंट को जो ये लोग एग्रीमेंट करेंगे कि भाई अगर प्रॉफिट्स हुआ कैसे शेयर करेंगे, लॉसेस हुआ कैसे शेयर करेंगे, किस बंदे को कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी कमीशन मिलेगी, उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है इस वाले चैप्टर की। तो पार्टनरशिप डीड, तो जो आपने एग्रीमेंट जो करा, दैट एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, ठीक है। बिजनेस कैसा होना चाहिए? चलो यार दोनों सारे जने मिलके जो है ना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? AK-47 बनाएंगे। अरे ऐसा बिजनेस रजिस्टर होगा क्या? AK-47 बनाने वाला बिजनेस कंपनी क्या रजिस्टर करेगी? गवर्नमेंट के पास जाते हैं, बोलते हैं देखो एक मैं हूँ पार्टनर, मेरे सारे स्टूडेंट पार्टनर है, और हम लोग यहाँ पे मिलके जो है ना वो बनाएंगे न्यूक्लियर बम बनाएंगे, ठीक है, या AK-47 बनाएंगे। अरे भैया लॉफुल बिजनेस करो, एनी बिजनेस दैट शेल बी लॉफुल, है ड्रग्स की सप्लाई ये वो, उसके अंदर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। योर बिजनेस शुड बी लॉफ, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग, तो प्रॉफिट्स एंड लॉस शेयरिंग का हम लिखेंगे उसके अंदर, है ना, कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे, कितना लॉसेस। बिजनेस ऑन कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो वही वाली चीज आ गई, यहाँ पे एक एजेंट के बारे में बताया, प्रिंसिपल के बारे में बताया, विच मैं आपको ऑलरेडी अभी पीछे बता चुका हूँ। आगे चलते हैं, देखो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में सर लिखा क्या होना चाहिए? व्हाट डज द पार्टनरशिप डीड कंटेन? सर आपके डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, कि आपके बिजनेस में कौन कौन पार्टनर्स है, उनका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, कि भाई फर्म का क्या नाम है, फर्म का कहाँ एड्रेस है, इसका मेन प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है, हेड ऑफिस कहाँ पर है, आपका नेचर क्या है बिजनेस का, किस तरीके का बिजनेस है, गुड्स में डील करते हो, सर्विसेज के अंदर डील करते हो, टेलर्स टेलर्स, पार्टनरशिप कब से आपने स्टार्ट करी, कितना आप लोग कैपिटल लगाने वाले हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना मिलेगा, अभी समझाऊंगा क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है, समझाऊंगा हॉली 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 हॉली, आराम से भागने की क्या जरूरत है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना करेंगे पार्टनर्स, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। लर्न करना है क्या आपको? इतने सारे पॉइंट्स लर्न नहीं करना, ध्यान से समझो पार्टनरशिप डीड क्या होती है। आप बिजनेस कर रहे हो तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखोगे ना सामने वाले के लिए या अपने लिए, तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है या जो भी आपके बिजनेस की जो भी डिटेल्स है उसको किसमें लिखते हो? इनकॉर्पोरेट करते हो किसके अंदर? पार्टनरशिप डीड के अंदर, ताकि कल को कोई भी अपनी बात से पीछे ना हटे, ताकि कोई भी अपनी बात से पीछे ना हटे। बिकॉज सर एनीथिंग जो भी आपके साथ, जो भी किसी के साथ आप डीलिंग कर रहे हो ना, दैट शुड बी रिटन। ओरल कभी डीलिंग मत करा करो। कैसे करा करो? डीलिंग को रिटर्न करा करो। हालांकि ये जो पार्टनरशिप है आपको क्या बताएगा अभी आगे चल के, कि आप ओरल भी कर सकते हो रिटर्न भी कर सकते हो, चलेगा। लेकिन मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ रिटर्न इसलिए करा करो, बिकॉज देखो ओरल का तो पता नहीं चलता ना, उसने हवा में कोई बातें बोल दी, कल को आप बोलोगे ला भाई मेरा तो इतना प्रॉफिट बना, तो वो बोलेगा अरे मैंने कब बोला था तेरे को इतना प्रॉफिट देने के लिए, अपने बात से तो पीछे हट गया वो,
ठीक है, तो इसलिए क्या करा करो, रिटर्न करा करो, रिटर्न होगा उसके साइन हो गए तो बंदा सामने वाला मना नहीं कर सकता। ठीक है चलो, अब देखो पार्टनरशिप प्रोविजंस अफेक्टिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो, दैट इज मोर देन सफिशियंट। 100% कवरेज करने की कोशिश करूंगा, जितना बोल रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ लो। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो अगर आपके बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं है, आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो क्या होगा सर? अगर हमने पार्टनरशिप डीड मतलब अगर नहीं बना रखी, तो हम सर प्रॉफिट्स को कैसे बांटेंगे, लॉसेस को कैसे बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलो फटाफट से तो मैं आपको सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, आपकी कंपनी है, ठीक है, ये क्या है आपकी कंपनी, क्या है आपकी कंपनी, और ये क्या हो आप, ठीक है, ये कौन हो आप लोग, आप लोगों ने कंपनी को क्या दिया, आप लोगों ने कंपनी को कैपिटल दी। आप कंपनी से बदले में पता है क्या मांग रहे हो, आप कंपनी से बदले में मांग रहे हो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो क्लास 11 बचपन में क्लास 11 में आपने क्या पढ़ा था कि कैपिटल क्या होती है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, हम अलग है बिजनेस अलग है ड्यू टू सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल। तो बिजनेस अलग है पर्सन, बट आर्टिफिशियल पर्सन, तो बिजनेस भी एक पर्सन है, लेकिन कैसा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। हम कैसे पर्सन है, नेचुरल पर्सन है। अब किसी अपने दोस्त को तुमने पैसे दिए, लेट सपोज आपने 100 रुपीज दिए, एक साल के बाद उससे अगर आप ये 100 रुपए अपने बिजनेस में लगा देते तो आप कितना कमाते, लेट सपोज आप 100 के 110 कर लेते, तो दोस्त से एक साल के बाद कितना पैसे लोगे, सर हम तो 100 रुपए ही लेंगे, हम आपकी तरह जो है ना सर लालची नहीं है। अबे पागलो, बिजनेस जब कर रहे हो तो ध्यान से कर लो, ऐसे दोस्त यारी बीच में मत लाओ बिजनेस के। तो 100 का 10% अगर उसमें ऐड करोगे तो दोस्त से कितने पैसे लेने हैं, 110 लेने हैं, तो 100 रुपए तो प्रिंसिपल अमाउंट था और 10 रुपए आपका इंटरेस्ट अमाउंट है, 10 रुपए क्या है आपका इंटरेस्ट अमाउंट है। तो ऐसे ही आपने बिजनेस में लेट सपोज कैपिटल दी 10 लाख रुपीज की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डील हुआ कि कंपनी तू मेरे को हर साल का 10% का इंटरेस्ट देगी जो भी मैं तेरे को कैपिटल दूंगा, तो कंपनी ने बोला ठीक है ले लियो, तो 10 लाख तो तुम्हारे थे ही थे, प्लस तुमने 10 लाख का 10% और कितना अर्न करा, 1 लाख रुपए अर्न करा, टोटल तुम्हारे पास कितने पैसे आ गए, 11 लाख रुपीज आ गए ना बच्चों, कितने पैसे आ गए, 11 लाख रुपीज आ गए, है ना, डन इजी। चलो तो दिस इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ध्यान से सोचो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए एक्सपेंस है कि इनकम है, कंपनी की जेब में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, सर पैसा तो जा रहा है ना कंपनी की जेब से, है ना, इंटरेस्ट के नाम पर ये 1 लाख रुपए कंपनी के पास आए कि कंपनी के पास गए, गए तो सर ये एक तरीके से क्या है सर, ये कंपनी के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस है, ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई कंपनी की, लाइबिलिटी सर, लाइबिलिटी यस सर, सर कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, पहले लाइबिलिटी कितनी थी, 10 लाख की थी, अब लाइबिलिटी कितने की हो गई, 11 लाख की हो गई, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई ना। अब बच्चे बच्चे को पता है कि लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं ना सर, ये तो पढ़ा रखा है आपने क्लास 11th में, तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है चलो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, इधर उधर मत बैठा करो यार, लेट मत जाया करो, ध्यान से पढ़ा करो एकदम, ठीक है। देखो देखो इधर देखो क्या लिखा हुआ है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो अगर बिजनेस के अंदर कोई प्रॉफिट और लॉस हो जाता है और आपने कुछ पहले डिसाइड नहीं कर रखा कि अगर प्रॉफिट होता है लॉस होता है तो हम उसको कैसे शेयर करेंगे, तो अगर आपके बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को आप इक्वली शेयर करोगे, दोस्तों कैसे शेयर करोगे, बराबर बांट लो ना यार, लड़ाई की बात ही खत्म। तुमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तुम लोगों ने डिसाइड नहीं करा कि प्रॉफिट बांटेंगे तो बांटेंगे कैसे, तो बराबर बांट लो, क्यों लड़ाई कर रहे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या कंपनी हमें इंटरेस्ट देगी हमारे कैपिटल पर, हमने जो कंपनी को कैपिटल दी क्या कंपनी हमें उस कैपिटल पर इंटरेस्ट देगी क्या, नहीं देगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड टू द पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, एबसेंट है, एबसेंट बोल लो साइलेंट बोल लो, बात एक ही है, पार्टनरशिप डीड क्या है, एबसेंट है ही नहीं, है लेकिन चुप है तो सही लेकिन चुप है, तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कंपनी हमें देगी, नहीं देगी, नक्को 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 नहीं मिलेगा रे, ठीक है। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की हम बात कर रहे हैं,
अब सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है, देखो तुम लोग चालाक बने थे, पहले तुम लोग चालाक बने थे ना, तुमने कंपनी को बोला था देख हम तेरे को कैपिटल दे रहे, तू हमें इंटरेस्ट दे, अब कंपनी चालाक बनेगी। अब कंपनी देखो तुम लोग हो, ये कौन हो तुम लोग, ध्यान से देख लो एकदम, सर आप हमारी फोटो अच्छी क्यों नहीं बनाते। अरे भाई ये सबसे अच्छी ड्रॉइंग कर रहा हूँ मैं, अरे कंपनी है। अब ध्यान से देखो, तुमने क्या करा, कंपनी से पैसे निकाले पार्टी करने के लिए। किस चीज के लिए? पार्टी करने के लिए भाई, मतलब कि पर्सनल पर्पस के लिए। उसको क्या नाम दे, क्या नाम दे, ड्राइंग्स, क्या नाम दे, ड्राइंग्स। कंपनी बोल रही थी एक बात बता लड़के, जब तूने मेरे को कैपिटल दी थी तो तूने मेरे से इंटरेस्ट मांगा था, अब तू मेरे से पैसे लेकर जा रहा है पर्सनल खर्चे के लिए, अब तू चुपचाप से मेरे को क्या दे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे, क्या दे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, कंपनी की जेब में पैसे आ रहे हैं कि कंपनी की पॉकेट से पैसे जा रहे हैं, बोलो जल्दी से, कंपनी की जेब में पैसे आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, आ रहे हैं सर। तो इनकम बढ़ रही है कि कम हो रही है? ऑब्वियसली सर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, इनकम बढ़ रही है। रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो दोस्तों क्या कर देते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है, इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, बोलो बोलो, एसेट जब इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, रेवेन्यू जब इंक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं, बोलो बोलो, क्रेडिट। ठीक है, पक्की बात? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रेवेन्यू क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट। अब देखो, अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कंपनी से नहीं ली तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंपनी को देंगे क्या? नहीं देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड में बोल रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कंपनी से मिलेगा या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कंपनी को देना पड़ेगा, तो हम उसको क्या करेंगे सर, फॉलो करेंगे। लेकिन अगर हमने कुछ लिखा ही नहीं हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में, तो हम ना तो कंपनी से कैपिटल का इंटरेस्ट लेंगे और ना ही हम ड्रॉइंग्स के अगेंस्ट हम कोई कंपनी को इंटरेस्ट देने वाले। क्लियर? यस। इंटरेस्ट ऑन एडवांस या फिर लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन एडवांस या फिर लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने कंपनी को लोन दे रखा है, पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया। अब भाई कंपनी को पैसे की जरूरत तो पड़ती है ना बिजनेस करने के लिए। अब बैंक से अगर पैसे लेंगे तो सर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या मिलता है सर, पैसे मिलते हैं। अपने पार्टनर से, कोई पैसे वाला पार्टनर होगा, उसी से क्या ले लेते हैं, बोलो जल्दी से, पैसे ले लेते हैं। तो उसको हम फिर क्या देंगे, हम उसको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो यहां पर क्या हुआ, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया क्योंकि फर्म को पैसे की जरूरत थी। फर्म कंपनी उसको, पार्टनर को क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन लोन। फर्म पार्टनर को क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन लोन। और ध्यान से सुनना एक बात, अब जो मैं बताने जा रहा हूं, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। इंटरेस्ट ऑन एडवांस या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड एट द रेट 6% पर एनम, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो। भैया ये तो देना ही पड़ेगा, ये तो देना ही पड़ेगा, ये तो देना ही पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी टू बी गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस। पक्का समझ में आया, देना ही पड़ेगा, ठीक है, बच नहीं सकते। आगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट मींस इंटरेस्ट इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट और इनकर्स अ लॉस। तो चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, आपको उस पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा जिस पार्टनर से फर्म ने लोन ले रखा है। कितना इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 6%। दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है, ये बॉक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड टाइम तक इस बॉक्स की आपको जरूरत पड़ेगी। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, आप इसको सैलरी भी बोल सकते हो एक तरीके से। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, क्या किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ना कोई कमीशन मिलेगी ना कोई सैलरी मिलेगी। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, देखो हम लोग ए बी सी मिलके बिजनेस कर रहे थे, ए बी सी मिलके हम क्या कर रहे थे, पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे थे। ठीक है, ए ने बोला कि मैं डी जो कि उसका दोस्त था उसको मैं बिजनेस में लेकर आना चाहता हूँ। तो जब तक सारे के सारे पार्टनर्स ओके नहीं बोल देते, जब तक कोई तीसरा चौथा पार्टनर हमारी कंपनी में नहीं आ सकता। सर सर समझे नहीं, समझे नहीं। देखो ए बी सी साथ में मिलके क्या कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। ए का दोस्त था डी, ए ने बोला कि यार दोस्तों मैं अपने डी को भी इस बिजनेस में, इस फॉर्म में क्या करना चाहता हूँ, लाना चाहता हूँ। ए ने यस बोल दिया, सी ने मना कर दिया, क्या डी आ पाएगा, नहीं आ पाएगा।
सारे पार्टनर जब येस बोल देंगे, थम्स अप दे देंगे, तभी कोई पार्टनर क्या आ सकता है, हमारी फर्म में आ सकता है, अदरवाइज कोई भी पार्टनर नहीं आ सकता. तो नो पार्टनर्स विल बी एडमिटेड, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री. जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं कर देते तब तक कोई भी पार्टनर हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं आ सकता. ठीक है, समझे नहीं समझे? यस सर समझे. अभी चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन करते हैं फिर. इलस्ट्रेशन नंबर वन एक क्वेश्चन कर देते. देखो, अमरीश ललित एंड चारुआर पार्टनर इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड. ध्यान से देखो, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड. इनके पास क्या नहीं है? पार्टनरशिप डीड नहीं है. क्या होगा? देखो, अमरीश हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर्स. अमरीश ने ललित और चारू से ज्यादा पैसे लगा रखे हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर. डिमांड्स इंटरेस्ट एट कैपिटल 10% पर एनम, बट ललित एंड चारू डिड नॉट एग्री विद हिम. देखो, लड़ाई क्या है? अमरीश बोलता है कि मैंने पार्टनरशिप फर्म में ना सबसे ज्यादा पैसे दे रखे हैं, तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए पार्टनरशिप फर्म से कितना, 10% पर एनम. मिलेगा क्या? पार्टनरशिप डीड नहीं है. पार्टनरशिप डीड नहीं होती, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है क्या? देखो क्या लिखा हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड टू पार्टनर. चाहे किसी पार्टनर ने बहुत सारे पैसे लगा रखे हो, चाहे वो रोए पीटे मारे कुछ भी करे, इंटरेस्ट मिलेगा क्या उस पार्टनर को? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. तो हम इसको क्या बोल देंगे? सॉरी भाई, तेरे को हम कुछ भी नहीं देने वाले, क्योंकि पार्टनरशिप डीड बोलती है हमारे सर ने पढ़ाया था, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, बस टाटा बाय बाय. ठीक है, चलो आगे. ललित हैज डिवोटेड हिज फुल टाइम इन बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, बट अमरीश एंड चारू डिड नॉट एग्री विद हिम. ललित बोलता है दिन रात मैं यहाँ पर इसी कंपनी में काम करता रहता हूँ, ना मैं अपने बीवी को देखता, ना मैं अपने बच्चों को टाइम देता, ना मैं अपने माँ बाप के साथ कहीं घूमने जा पाता, कुछ भी नहीं कर पाता, मुझे भैया सैलरी चाहिए 5,000 रुपए की. वो रोए पीटे पटके कुछ भी करे, सैलरी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी. पार्टनरशिप डीड क्या है यहाँ पर? था ही नहीं पार्टनरशिप डीड. तो पार्टनरशिप डीड नहीं होता, किसी पार्टनर को सैलरी रेम्यूनरेशन मिलती है क्या? ना सैलरी मिलती, ना रेम्यूनरेशन मिलती, ना कमीशन मिलता. ठीक है, चलो. तो क्वेश्चन ना आपको बेसिकली ऐसे बोलेगा कि भाई वो सारा का सारा टाइम देता है, सैलरी दे दो ना उसको. अरे तुम लोग बोलोगे भाई हमें पागल मत बना, पार्टनरशिप डीड क्या बोलता है? सैलरी नहीं देनी तो नहीं देनी है ना. ठीक है, चलो. चारू डिमांड्स इंटरेस्ट. अब लड़की ने क्या करा? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 50,000 एडवांस बाय हर एट अ मार्केट रेट ऑफ 12% पर एनम. तो मैडम ने देखो क्या करा है, कंपनी को कितने का लोन दिया है? 50,000 का. और मैडम कितना इंटरेस्ट मांगती है? मैडम बड़ी तेज हो रही है, 12% के हिसाब से मैडम मांगती है कितना? कितना हो जाएगा बोलो? 6,000 रुपए हो जाएगा. तो हम मैडम को दे देंगे क्या? सर दे दो ना सर, मांग रही है सर दे दो. अरे भैया तुमको पढ़ाया क्या है? ऐसे ऐसे दे दो सर, चारू ने मांगा है, दे दो ना सर. अरे ऐसे नहीं भाई, कितना बोला है? कितना मिलेगा? 6% पर एनम मिलेगा. कितना मिलेगा? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या फिर नहीं है, हमारे बिजनेस में पार्टनरशिप डीड है क्या? नहीं है सर. तो कितना दोगे? 6% दोगे. तो चुपचाप हो जाओ फिर. 5,000 का 6% बोले तो 3,000 रुपए से 1 रुपये ज्यादा नहीं मिलेगा चारू. ठीक है, ठीक है सर. सर वो रोएगी, अरे रोने दो, 3,000 से ज्यादा देना नहीं है. ठीक है, आगे. अमरीश हैज ड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज. तो अमरीश ने देखो पर्सनल यूज के लिए कितने पैसे निकाले? 10,000. ललित एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट शुड बी चार्ज 10% पर एनम. बोलो, अमरीश ने पैसे निकाले और इन्होंने बोल दिया कि भाई अब इससे पैसे लेंगे, इसने ड्राइंग्स कर दी पर्सनल यूज के लिए, पैसे निकाले, अब ये कंपनी को जो है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देगा. अमरीश खींच का थप्पड़ मारेगा दोनों को, बोले अबे जब मैंने तुम्हें ज्यादा कैपिटल दी थी पॉइंट नंबर वन के अंदर, तुमने मेरे को कैपिटल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नहीं दिया ना. तो अब जब मैं पर्सनल पर्पज के लिए जब वो कर रहा हूं, तो मैं तुम्हें क्यों इंटरेस्ट देने लगा? बात तो सही है. प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इन टू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम अमाउंटिंग टू 50,000. ऊपर की किसी भी चीज को हमने एडजस्ट नहीं करा तो हमारा प्रॉफिट कितना था? 50,000. भैया पॉइंट वन में कुछ कंसिडर करना था? नहीं करना था. पॉइंट टू में करना था? नहीं करना था. लेकिन पॉइंट थ्री में चारू को 3,000 रुपए का इंटरेस्ट देना था? हाँ जी सर, देना तो था. तो 50,000 रुपए में से 3,000 रुपए चले गए दोस्तों. कितने बचे? 47,000. प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इन टू अमाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम अमाउंटिंग टू 50,000 एट एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, अमरीश डिमांड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशो. वो क्या बोल रहा है अमरीश? देखो अमरीश ने सबसे ज्यादा, देखो कितना तेज बढ़ रहा है अमरीश, देख रहे हो? अमरीश ने सबसे ज्यादा कैपिटल लगा रखी थी बिजनेस के अंदर, तो कहता है काम करो, कंपनी में जो प्रॉफिट हुआ है ना वो कैपिटल की रेशो में बांट लो, क्योंकि मैंने तो सबसे ज्यादा कैपिटल लगा रखी है तो मेरे को तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा. ललित और चारू ने खींच के थप्पड़ मारा. उन्हें क्या बोला? अबे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है पागल आदमी, समझ में नहीं आता तेरे को?
अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कैसे शेयर करेंगे? इक्वली शेयर करेंगे, कोई हम कैपिटल में नहीं देने वाले। तो इक्वली कितना बटेगा? 47,000 दोस्तों, कितने दोस्तों में, कितने लोगों में बटेगा? 3 लोगों में। तो कितना हो गया? 3 1 3 कितना बट जाएगा? 47,000 डिवाइडेड बाय 3 कर लो ना, 47,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है? किसी भी कैलकुलेशन खुद नहीं करते, 47,000 कितना आएगा? 15,666 करके आएगा, है ना? थोड़ा सा अजीब सा आ रहा था आंसर। तो इतना बच जाएगा हर एक पार्टनर के अंदर, इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया, उसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी करवाया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, जितना लाइक करोगे ये वीडियोज औरों के पास भी पहुंचेगी, उनको भी अच्छे से समझ में आएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, है ना? कोई वैसी इतनी अच्छी अच्छी चीजें तो शेयर करते नहीं, है ना? अपना खुद का फायदा कर ले तो, अरे उनके साथ भी शेयर करो, उनको भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, चलो बाय बाय।